हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन इनसाइट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी टैबलेट के बारे में बात करेंगे। नाम से तो ये मेडिसिन एंटीसाइकोटिक ग्रुप की दवा लगती है, लेकिन इसका इस्तेमाल अन्य बीमारी में करते हैं। इस टैबलेट का नाम है डाइजोक्सिन टैबलेट, और इस डाइजोक्सिन टैबलेट को हम जिस टैबलेट के नाम से जानते हैं वो है लैनोक्सिन टैबलेट, जो इसकी सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है। इस वीडियो में हम जानेंगे डाइजोक्सिन टैबलेट क्या है, ये दवा किस तरह से काम करती है, डाइजोक्सिन टैबलेट लैनोक्सिन के अलावा और कौन कौन नाम से अवेलेबल है, लैनोक्सिन टैबलेट के क्या क्या सब्स्टिट्यूट हैं, और इसकी प्राइस क्या है, और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसकी डोजेस क्या हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, डाइजोक्सिन एक कार्डिक ग्लाइकोसाइड ग्रुप की दवा है, जो मुख्य रूप से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। ये दवा काफ़ी पुरानी और काफ़ी सस्ती दवा है, जिसे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बहुत लंबे समय से यूज़ किए कर रहे हैं। यह दवा जब मरीज को दी जाती है तो मरीज में यह मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी, स्ट्रोक वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है, लेकिन जो हार्ट रेट है उसको कम करती है, जिसकी वजह से जो हार्ट कंट्रैक्शन की टाइम फ्रेम है यह भी बढ़ जाती है। इस तरह से यह दवा काम करती है। डाइजोक्सिन दवा टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। अगर डाइजोक्सिन टैबलेट के स्ट्रेंथ की बात करें तो ये टैबलेट सिर्फ एक स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जो कि 0.25 mg है। इसे 250 माइक्रोग्राम भी कहते हैं। अगर डाइजोक्सिन टैबलेट के ब्रांड नेम की बात करें तो इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम लैनोक्सिन है। इसके अलावा यह और भी नामों से अवेलेबल होती है, जैसे कि डेक्सिन टैबलेट, कार्डोक्सिन टैबलेट, डेक्सोवर टैबलेट, डाइजोक्सिन टैबलेट, और ये सभी टैबलेट लैनोक्सिन के सब्स्टिट्यूट भी हैं। इनमें से किसी भी टैबलेट की दवा आप यूज़ कर सकते हैं, सभी का कंपोजिशन एक ही होता है। अब अगर डाइजोक्सिन टैबलेट के प्राइस की बात करें तो इसकी पर टैबलेट प्राइस होती है 66 पैसे से लेकर 1 रुपये या 1.5 रुपये, यानी 15 रुपये में आपको यह 10 गोली मिल जाती है। अब अगर डाइजोक्सिन टैबलेट के यूजेस के बारे में बात करें कि कौन कौन से सिचुएशन में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया था, इसका यूज़ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो है इरेगुलर हार्ट बीट, जिसे एरिथमिया कहते हैं, और ये एरिथमिया मुख्य रूप से आर्टेरियल फिब्रिलेशन के कारण हुआ हो तो आर्टेरियल फिब्रिलेशन वो कंडीशन होती है जिसमें हार्ट के ऊपर के दोनों चैम्बर हैं उनमें इरेगुलरिटी हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति के ECG में उसमें EVL और EVF इन दोनों के इंटरवल में इरेगुलरिटीज होती है। इस तरह के आर्टेरियल फिब्रिलेशन के कारण अरिथमिया की प्रॉब्लम हुई है, इरेगुलर हार्ट बीट की समस्या हुई है, तो उस समय डॉक्टर द्वारा डाइजोक्सिन टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इस टैबलेट को हार्ट फेलियर के पेशेंट में यूज़ किया जाता है, वह सिचुएशन जिसमें व्यक्ति का हार्ट प्रॉपर ब्लड पंप नहीं करता है, डाइजोक्सिन टैबलेट को हार्ट फेलियर के कंडीशन में थर्ड लाइन ड्रग थेरेपी के रूप में यूज़ किया जाता है, और आजकल हार्ट फेलियर में फर्स्ट लाइन ड्रग के रूप में जिस दवा का यूज़ किया जा रहा है वह है ACE इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एंटागोनिस्ट। ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी कैंसर में भी इस दवा का यूज़ किया जाता है। अब डाइजोक्सिन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो जो मेनली साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें व्यक्ति को नोजिया, वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, ब्लड विजन हो सकता है, ड्राई माउथ, मुंह से सूखापन हो सकता है, हार्ट बीट इरेगुलर हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, चक्कर आ सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, साथ ही किसी मेल में गाइनोमेस्टिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब पुरुषों के जो ब्रेस्ट हैं महिलाओं की तरह बढ़ने लगते हैं, यह भी एक तरह की साइड इफ़ेक्ट हो सकती है। अब डाइजोक्सिन टैबलेट के डोजेस के बारे में बात करें कि कितनी मात्रा में यह टैबलेट मरीज को दी जाती है, तो जो कॉमन रिकमेंडेड डोज है उसकी बात करूँ तो इनिशियली एडल्ट पेशेंट को जो डोज दी जाती है वो थोड़ी हाई डोज होती है, जो 500 माइक्रोग्राम से लेकर 750 माइक्रोग्राम की डोज हो सकती है, और ज़रूरत के हिसाब से 6 घंटे के बाद एडिशनल डोज के रूप में 125 माइक्रोग्राम से लेकर 350 माइक्रोग्राम तक डोज दिया जाता है, और यह इनिशियल डोज होती है। जब अब मेंटेनेंस डोज की बात करूँ तो 125 माइक्रोग्राम से लेकर 500 माइक्रोग्राम तक यह डोज दी जाती है, जो मरीज के नीड के अकॉर्डिंग होती है। जनरली 250 माइक्रोग्राम की ही डोज दी जाती है, वो भी खाना खाने के बाद। इस टैबलेट को आप OTC मेडिसिन के रूप में यूज़ नहीं करें, जितने दिनों तक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उतने दिन तक इस दवा का यूज़ करें और इस टैबलेट के डोज को मेंटेन करके चलें। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने डिटेल में बात की डाइजोक्सिन टैबलेट के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।